नमस्कार, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच आज आपके साथ जुड़ा हूं। आज का सवाल है कि बड़े और सफल लोग शांत क्यों होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूं कि जो व्यक्ति बड़े हैं, जो सफल हैं, जो बुद्धिमान हैं, उन व्यक्तियों के पास एक समझ है, किसी भी सिचुएशन का आंकलन बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या होने वाले हैं, और आज के सिचुएशन को देखते हुए, लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए आगे इस पे क्या रिएक्शन मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए वो शांत रहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई नई मूवी देखते हैं तो आपके अंदर एक सस्पेंशन बना रहता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यह सुनो दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो पहले देख ली होती और फिर दोबारा अगर उस वीडियो को देख लो, क्या उतना ही सस्पेंशन आपके पास होगा? नहीं, आप शांत बैठे होंगे, आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, जब हमें ये पता होता है कि आगे क्या रिएक्शन और क्या एक्शन होने वाले हैं, तो हर कोई शांत रहता है। तो बड़े और सफल लोग जो होते हैं, वो किसी भी सिचुएशन का आकलन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। उनको ये अंदाजा होता है कि इसके बाद में क्या एक्शन होना है, और इसी वजह से वो शांत रहते हैं। मैं आशा करता हूं ये जवाब आपको सहायता करेगा। अपने आप को तैयार कीजिए कि कैसे आप इतने ही शांत रह सकें। इसके लिए ज्यादा अवेयरनेस लें, अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखें, और किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके दोनों एस्पेक्ट की बराबर तुलना कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई सवाल होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, ताकि हम उसके जवाब पे एक वीडियो आपके लिए बना सकें और आपसे दूसरे दोस्तों को भी उसकी हेल्प कर सकें। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने आप को उतना ही शांत, उतना ही सुदृढ़ और उतना ही सक्षम बना सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।